जनपद मुजफ्फरनगर हर मायने में ऐतिहासिक, राजनीति में भी ऐतिहासिक। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, मुजफ्फरनगर ने उन मंत्रियों को दिया है जिनका दबदबा पूरे देश के अंदर कायम रहा है। लेकिन अब बात करेंगे मौजूदा राजनीति की, और मौजूदा राजनीति में तो इस वक्त अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देश और प्रदेश दोनों में है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है कि कब ना कब वो माहौल आए और सत्ता परिवर्तन कर ले, क्योंकि उनके मंत्री, उनके नेता, उनके पदाधिकारी लगातार ऐसे दावे कर रहे हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव वो किसी ना किसी रूप में अपने पक्ष में करने के मूड में है। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी यहां पर एक परिवर्तन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे जनपद मुजफ्फरनगर में, सिर्फ शहर सीट जीती है, और जो निकाय चुनाव हुए वहां पर सभी पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके लिए गठबंधन प्रत्याशी और गठबंधन कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जिलाध्यक्ष थे, उसमें भी परिवर्तन किया गया, और समाजवादी पार्टी की एक नई कार्यकारिणी का गठन कुछ दिनों पहले ही हुआ है। आज मैं उस शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिन्हें समाजवादी पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। नाम जाने पहचाने चेहरे हैं, विकिल गोल्डी और विकिल चौधरी, क्योंकि उनकी अगर बात करें तो वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। युवा भी हैं और किसान भी हैं, ग्राम से लेकर शहर तक उनके काम है। आज जानेंगे कि क्या उनकी सोच है और किस तरह से वो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का पुनवा बढ़ाते हैं या इसका वोट बैंक बढ़ाकर सत्ता को हासिल करने में कितना प्रयासरत रहते हैं। स्वागत है चौधरी साहब आपका। पहले तो बधाई कि आपको जिला महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी में। क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन, अपने जो गठबंधन बना यहाँ पर उसे जीत मिली है, तो कैसे देखते हैं? पहले तो मैं यही मानना पूछना चाहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। आपने देखा भी है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर ज़्यादातर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हुई है। चाहे जानसठ हो, उसमें भी गठबंधन जीता है, खतौली में गठबंधन जीता है, और मुजफ्फरनगर में तो समाजवादी पार्टी गठबंधन इतना अच्छा चुनाव लड़ा है। राजनीति में हर जीत तो लगी रहती है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जिस वजह से मुजफ्फरनगर में चुनाव हार गए हैं, नहीं तो वहाँ पर राकेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा, उनकी पत्नी लवली शर्मा जी ने चुनाव लड़ा है, जो 80,000 से ऊपर वोट प्राप्त किया है उन्होंने। पहली बार हुआ है जो इतनी वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जनपद मुजफ्फरनगर में ली। तो क्या वजह रही है कि ये सीट जो कि अहम सीट होती है उस पर आप जीत हासिल नहीं कर पाए? देखिए, राजनीति में बहुत परिस्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ बस राजनीति में आप लोगों को भी मालूम है, जनता को भी, मुजफ्फरनगर के लोग भी जानते हैं कि राकेश शर्मा जी ने कितना अच्छा चुनाव लड़ा है। लेकिन राजनीति में दो ही पहलू हैं, हार और जीत दो पहलू होते हैं। तो इसमें बस परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए, कुछ वोट बैंक बिखर गया जो हमारा वोट बैंक था, कुछ इधर AIM की तरफ कुछ लोग चले गए, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है चुनाव हमारा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो चुनाव मुजफ्फरनगर जीत रहे। विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, नगर निकाय चुनाव में भी, जनपद मुजफ्फरनगर की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ और प्रदेश के अलावा। तो क्या मानना है कि अब लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें कितनी दावेदारी है और कितना अपने को मजबूत बांधना है आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। मुजफ्फरनगर जिला क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी है, और मुजफ्फरनगर में तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ गठबंधन और हमारे नेता जो भी तय करेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा, हम लोग संगठन के उसी पर काम करेंगे। मेरठ की बड़ी जीतने वाली सीट थी, उसके बावजूद आप लोग हार गए हैं। क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ऐसी चाहत फिर से उभर रही है कि अगर कोई विधायक है तो वो अपनी पत्नी को भी फिर विधायक बनाए या दूसरी चीज बनाए, मतलब भाई भतीजा बात समझ लीजिए, या एक चलन कि मेरे परिवार का कोई आज किसी ऊंचे पद पर है तो दूसरे को भी मौका मिले, क्या ऐसी सोच की वजह रही है? समाजवादी पार्टी हर जाति धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर
सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है, ऐसा नहीं है कुछ भी, सब लोगों को मौका दिया जाता है। और परिस्थितियाँ होती है चुनाव में टिकट देने की, वहाँ पर मेरठ में कुछ परिस्थितियाँ बनी होंगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। क्या आप, वैसे तो ये क्वेश्चन मेरा अखिलेश जी से ही होगा बाद में, क्या आने वाले वक्त में आप गठबंधन के घटक रहेंगे, हिस्सा रहेंगे, या चुनाव किस तरह से अंदर से क्या संकेत आ रहे हैं? देखो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा हम लोग उसी पर काम करेंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भी रही, आपने देखा भी है 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो ऐसा नहीं है, ये तो जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे गठबंधन का, तो हम लोग तो उसी पर काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास लगातार यहाँ से एक रिपोर्ट्स जाती है, क्योंकि आप एक पदाधिकारी हैं, रिपोर्ट्स भी जाएंगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो ऐसे में क्या सलाह दी जाएगी कि क्या समाजवादी पार्टी को अपना चुनाव अलग लड़ना चाहिए या फिर से उनको गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए? देखिए ये तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, गठबंधन से चुनाव लड़ना है या वैसे लड़ना है, हम लोग संगठन को पूरी तरह से मजबूती के साथ अपना संगठन बनाएंगे जिले में। और समाजवादी पार्टी के पास हर जाति बिरादरी का नेता, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर जाति धर्म के लिए जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो ऐसा नहीं है हर समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक विशेष वर्ग की बात की जाती थी कि समाजवादी पार्टी इस विशेष वर्ग की पार्टी है या वहाँ पर वो अपने को सुरक्षित मानती है, भी मानती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखे जाए तो उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विशेष समुदाय ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय, इसमें क्या कहना है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समुदाय ने नगर निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया है। ये नगर निकाय चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन जाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वहां पर लोगों का अपना एक वो होता है, जो आदमी चुनाव लड़ता है तो कुछ परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत वोट इधर उधर चला गया है, उसके कोई मायने नहीं है। 2024 में मुस्लिम समाज भी और अन्य समाज भी सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। क्यों वोट करें समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम समुदाय या दूसरे, कोई ऐसी खास वजह बताना चाहेंगे जो दूसरे? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने हर समाज के लिए काम किया है, मुस्लिम समाज को हर जगह जहाँ सम्मान देने का काम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान देते हैं और सब समाज के लोगों को सम्मान देते हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और आप देख रहे हो बीजेपी की सरकार में क्या हालात हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह का माहौल है, किस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, जरा जरा सी बात पर हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार करा जाता है, तो ये सब चीज़ें को आम आदमी समझ रहा है, आम आदमी जानता है कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। AIMIM जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आपके खिलाफ शायद मतलब वो अपनी मजबूत पकड़ खुद बनाने को तैयार है, तो क्या नहीं मानते कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं नुकसान है? देखो AIM का कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है और ये माहौल तैयार करा जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को बखेरा जा सके। तो एक तरह से AIM तो वहाँ पर भी बिहार में भी चला था, बिहार में क्या परिस्थितियाँ हुई, क्या 6 MLA आए थे AIM के, क्या हुआ था और फिर भी टूट करके उसमें आ गए थे लालू जी की पार्टी में, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं है उसका, कुछ ऐसा यहाँ है नहीं। ये तो नगर निकाय चुनाव है, उसमें परिस्थितियाँ हैं, थोड़ी बहुत वोट इधर उधर हो जाती हैं, कोई मायने नहीं है इतना बड़ा। चलिए आपसे जिले से लेवल के ही कुछ सवाल, क्योंकि आपको जिम्मेदारी है महासचिव पद की दी गई है, तो ऐसे कौन से काम करने जा रहे हैं आप कि समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए आपका खोया हुआ मतदाता? देखिए हम यहाँ पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी किस तरह से निकली, समाजवादी विचारधारा गांव में घर घर कैसे पहुँचे, समाजवादी का झंडा किस तरह से मजबूत हो, हम लोग उसी पर काम करेंगे। हमें सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना है 2024 तक, जो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े। और यहाँ पर आपने देखा है विधानसभा के चुनाव में भी 5 सीटें तो हमारे पास है गठबंधन के पास ही तो 5 सीटें हैं, यहाँ पर मात्र एक ही तो सीट है बीजेपी के पास में, तो हम तो पूरी तरह से मजबूत हैं यहाँ पर। लेकिन हमें जो समाजवादी सोच के लोग हैं उन लोगों को पार्टी से जोड़ना है और उन लोगों को साथ लेकर चलना है, हर जाति बिरादरी में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन सब लोगों को हमें घर घर जाकर जगाना है और अपनी साथ लेकर समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे लेकर चलना है।
गांवों से लेकर शहर तक सांप्रदायिकता के माहौल को रोका जाए, सांप्रदायिकता ना फैले, माहौल अच्छा हो, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखे जाते हैं किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं तनाव या झगड़े हो सकते हैं या हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई रणनीति तैयार की है? देखिए, हमने इस पर पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल नहीं बनने देंगे। हम पूरी तरह से समाजवादी लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी अगर कहीं भी सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करेगी, हम वहीं पर अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े होंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आपने सुना, ये थे चौधरी विकल गोल्डी साहब और अहलावत साहब, क्योंकि इनका लकब है और गोद भी है, तो विकल गोल्डी अहलावत पूरा नाम है, क्योंकि नामवर शख्सियत है, लेकिन उन्होंने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। अहलावत जी ने बात बहुत बड़ी कही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सांप्रदायिकता का माहौल पैदा किया जाए या कहीं तनाव बनाया जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनका समाज दूसरे विशेष समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और चुनाव में एकजुट होकर वोट करेगा। परिवर्तन की बात वो दावा कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उनके ऐसे भी नजरिए हैं कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ये इशारा हुआ कि समाजवादी पार्टी स्वयं अपने अकेले ही चुनाव लड़े, तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन कई बार गठबंधन बन चुके हैं, गठबंधन की वजह से फायदा भी हुआ है और कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है। अब 2024 का चुनाव है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जिला कार्यकारिणी को लेकर जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं और महासचिव भी बदल दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है कि किस प्रकार जो खोया हुआ वोट है उसको ये एक कर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार ये मुकाबला करेगा समाजवादी पार्टी या गठबंधन। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।